नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है आपका आज की हिंदी की रिवीजन क्लास में। मैं विनीता सिंह आपके लिए आज उपयोजित विभाग से एक रिवीजन का टॉपिक लेकर आई हूँ। हालांकि ये टॉपिक हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, बहुत बार समझ चुके हैं, सीख चुके हैं और बना भी चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी भी जब हम पेपर साइन करते हैं और चेक करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि छोटे से इस जो आज का टॉपिक है उसमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। हालांकि ये गलती बहुत छोटी मोटी ही होती है, लेकिन इन छोटी मोटी गलतियों की वजह से आपके नंबर जो है, आपको अपने नंबरों का नुकसान उठाना पड़ता है। तो कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, या किस तरह से हमें अधिक से अधिक नंबर लेने का प्रयास इस प्रश्न में करना है, उन चीजों पर आज हम ध्यान देने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है या आज का हमारा जो घटक है उसका नाम है विज्ञापन लेखन। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, विज्ञापन लेखन हम कई बार कर चुके हैं, सीख चुके हैं। अभी हम जो कर रहे हैं वो है रिवीजन इसका। तो हम जितनी बार उसका रिवीजन करते जाएंगे वो चीजें हमें उतनी ही अच्छी तरीके से याद होती जाएंगी और हम उसे आसानी से बना सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन सिर्फ देख देख कर रिवीजन करना या समझ कर रिवीजन करना काफी नहीं होता है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आज हम सीखने के बाद, इस घटक को सीखने के बाद, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। लेखन प्रत्यक्ष तौर पर जब तक आप लिखित रूप में इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसका सराव नहीं करेंगे, तब तक ये चीजें आपको याद नहीं होंगी या समझ में नहीं आएंगी। हम आपको सिखाते हैं, आप सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन उसकी लिखित रूप में तैयारी नहीं करते। और जिस वजह से जब परीक्षाएं आती हैं और आप परीक्षा में या विज्ञापन लेखन करने बैठते हैं तो उस समय आपसे ये गलतियां होती हैं। कई बार कुछ मुद्दे छूट जाते हैं या जिस तरह से टीचर ने हमें बताया था हमें वो याद नहीं आता है कि किस तरह से लिखना है। तो ये आपको चीजें याद कब रहेंगी? आप मौखिक रूप से इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप इसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस लिखित रूप में करना भी बेहद जरूरी है। जब तक आप लिखित रूप में इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप उतनी अच्छी तरीके से विज्ञापन लेखन नहीं कर पाएंगे कि आपको 4 या 5 नंबर मिल सके। तो विज्ञापन लेखन उपयोजित विभाग, हमारा जो कृति पत्रिका का 5वां विभाग होता है, उपयोजित विभाग, उसका एक प्रश्न है विज्ञापन लेखन, जो 5 अंकों के लिए आपको पूछा जाता है। इसे हमें 25 से 50 शब्दों में लिखना अपेक्षित होता है। बिल्कुल भी इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ कुछ वाक्यों का प्रयोग करके, कुछ शब्दों का प्रयोग करके, कुछ विशेषणों का प्रयोग करके और कुछ नियमों का पालन करके हम आसानी से इस प्रश्न में 4 से 4.5 नंबर या कभी कभी 5 नंबर भी पूरे हम ले सकते हैं। तो क्या गलतियां हमसे होती हैं, क्यों हमें सिर्फ 2, 3 या 3.5 नंबर ही मिलते हैं, उन सब बातों पर आज हम गौर करेंगे। सबसे पहले विज्ञापन का नाम आते ही विज्ञापन क्या होता है और इससे क्या लाभ होता है, ये 2 प्रश्न हमारे माइंड में आते हैं। तो विज्ञापन क्या होता है ये हम सीखेंगे, इससे क्या लाभ होता है। हालांकि विज्ञापन आप यहाँ पर, आपके लिए इसका लाभ यही है कि आप विज्ञापन बनाना सीखेंगे तो आपको इसके नंबर, यहाँ जब तक आप 10वीं में नहीं चले जाते, 10वीं में भी ये सेम विज्ञापन लेखन का प्रश्न आपको आता ही है, तो 9वीं में और 10वीं में आप इसका लाभ ले रहे हैं केवल अंक प्राप्ति के लिए। तो ये विज्ञापन बनाकर जब आप बनाना सीखेंगे इससे अभी आपको लाभ यही होगा कि आप इससे अपने अंकों को बढ़ा सकते हैं, अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, इस लाभ को यदि कंपनी के हिसाब से या दूसरे प्रोडक्ट्स के हिसाब से देखें तो उनके बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले विज्ञापन क्या होता है और इससे क्या लाभ होता है, विज्ञापन जैसा ही हम शब्द सुनते हैं तो ये 2 प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं। सादी और सरल भाषा में यदि हम विज्ञापन को समझें तो विज्ञापन का अर्थ होता है एडवर्टाइजमेंट। किसी भी चीज, वस्तु, व्यक्ति का एडवर्टाइजमेंट करना, देखना, ये क्या कहलाता है, विज्ञापन कहलाता है। अब ये एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन आए दिन हम हर जगह देख पाते हैं। आप यदि न्यूज देख रहे हैं,
यदि आपने न्यूज चैनल लगाया हुआ है तो न्यूज में भी हर थोड़ी देर के बाद एक या दो या उससे भी अधिक विज्ञापन आपको दिखाए जाते हैं, या एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश में आप बेहतर समझ सकते हैं। तो ये इंग्लिश में हम विज्ञापन को कहते हैं एडवर्टाइजमेंट। तो ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो हर न्यूज में, हर न्यूज चैनल में, कोई भी न्यूज चैनल आप लगाए, थोड़ी देर के बाद आपको विज्ञापन देखने को मिलता है। उसी के साथ हम कोई टीवी सीरियल देख रहे हो या मूवी देख रहे हो, यहाँ तक कि यदि आप सिनेमा हॉल में भी गए हो तो वहां भी कुछ देर के लिए आपको विज्ञापन जो है वो दिखाया जाता है या एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है। न्यूज़पेपर्स, आपके घरों में यदि न्यूज़पेपर आते हैं तो आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में भी विज्ञापन जो है वो दिए होते हैं। अब यहाँ पर जो टीवी में हम विज्ञापन देख रहे हैं न्यूज के माध्यम से, या सीरियल में हम जो देखते हैं, या मूवीज के दौरान हम जो देखते हैं, वो विज्ञापन जो है वो वीडियो के रूप में है। तो उन विज्ञापनों को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से वो विज्ञापन हमारे जीवन पर इफेक्ट डालते हैं। एक ही विज्ञापन को बार बार देखने के बाद हम क्या होते हैं, उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, हम उसकी तरफ आकर्षित होते ही हैं। और एक बार तो हम उस चीज को ट्राई करने के बारे में सोचते हैं या उसका उपयोग करने के बारे में सोचते हैं, तो ये विज्ञापन की ताकत होती है। दूसरों का ध्यान या ग्राहकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता ये विज्ञापन के अंदर होती है, और यही इसका लाभ है। कंपनी के हिसाब से यदि हम देखें तो इसका लाभ यही है कि विज्ञापन के अंदर उतनी ताकत होनी चाहिए कि वो किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने पर आकर्षित कर सके, उसे खींच सके और उसे मजबूर कर सके कि वो अपने जीवन में एक बार तो उस चीज को उपयोग में लाए या उपयोग करे। ये दोनों जो हम वीडियो के माध्यम से, यानी टीवी में जो हम विज्ञापन देखते हैं, वो हमारे दिमाग पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है, उसका ज्यादा प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर, हमारे मन पर पड़ता है। दूसरे तरह के जो विज्ञापन हम देखते हैं न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर में भी आप अगर न्यूज़पेपर खोलेंगे तो फ्रंट पेज पे हर एक पेज पर किसी न किसी चीज का विज्ञापन दिया होता है। इसके साथ ही हम मैगजीन्स अगर पढ़ते हैं तो मैगजीन में भी कई तरह के विज्ञापन जो है वो अलग अलग तरह के, अलग अलग प्रोडक्ट को लेकर या किसी भी चीज को लेकर हर पन्ने पर कोई ना कोई छोटा मोटा विज्ञापन दिया ही होता है। साथ ही साथ पैम्पलेट्स रास्ते में जाते आते हमने दीवारों पर चिपके हुए, या लोग हमें पैम्पलेट्स बांटते हैं, या कई बार तो हमारे घर पर लोग पैम्पलेट, विज्ञापन का जो पैम्पलेट है वो विज्ञापन पत्र जो है वो हमें देकर जाते हैं, तो उसके माध्यम से भी विज्ञापन हमें देखने के लिए मिलता है। साथ ही जब हम रास्ते पर चल रहे हों तो होर्डिंग्स लगी होती है, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी होती है, उन होर्डिंग्स के माध्यम से भी विज्ञापन जो है वो किए जाते हैं। बस के ऊपर या वैन के ऊपर भी विज्ञापन, कई तरह के विज्ञापन जो है वो बसेस पर या वैन पर लगाई गई होती है, जो जाते आते लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। तो अब इन सारे माध्यमों के द्वारा हम विज्ञापन अपने रोज के जीवन में रोज देखते हैं, अपने दैनिक जीवन में हम रोज ढेर सारे विज्ञापन देखते हैं। अभी आज सुबह से भी आप उठे होंगे, अगर आप टीवी के सामने बैठे होंगे, या आपने न्यूज़पेपर खोला होगा, या आपने अपने घर के बाहर देखा होगा, तो कोई ना कोई होर्डिंग या कोई ना कोई टीवी में विज्ञापन या न्यूज़पेपर में विज्ञापन आपने जरूर देखा होगा आज के दिन में भी। तो हमें क्या करना है, विज्ञापन लेखन के लिए हमें इन विज्ञापनों को एक बार सिर्फ पढ़ लेना है। हालांकि वहां पर जो विज्ञापन है उसी से संबंधित विज्ञापन हमें परीक्षा में पूछा जाएगा, ये जरूरी नहीं है, लेकिन उन विज्ञापनों में जो कैचिंग ली गई है, यानी जो वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों का प्रयोग हम अपने विज्ञापन लेखन में कर सकते हैं। कई बार आपको टूथपेस्ट का ऐड करने के लिए आता है, मतलब विज्ञापन बनाने के लिए आता है। एक बार पेपर में आया था कि आपको दंत कांति ये टूथपेस्ट है, इस टूथपेस्ट के लिए विज्ञापन लेखन करना। तो यहाँ पर अब बच्चे पूछते हैं, टीचर हमें इसमें आपने टीवी पर बहुत बार टूथपेस्ट का विज्ञापन देखा है,
सबसे पहली जो लाइन है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? बिल्कुल, ये लाइन आप लिख सकते हैं, आपको ये लाइन याद है तो आप ये इस लाइन का, इस वाक्य का प्रयोग अपने विज्ञापन लेखन में भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको वहां पर जो टूथपेस्ट का नाम था उसे बदलकर आपके विज्ञापन के प्रश्न में जो टूथपेस्ट का नाम दिया गया है उस नाम को लिखना है, यानी दंतकांति टूथपेस्ट। तो इस तरह से जब हम विज्ञापन देखते हैं तो कुछ विज्ञापनों की जो लाइंस हैं उसे याद करते जाइए, या आप जो न्यूज़पेपर में विज्ञापन पढ़ते हैं या देखते हैं तो उसमें किस तरह से बनाया गया है, छूट को किस तरह दिखाया गया है, तो आकर्षित बनाने के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, केवल उन चीजों पर आप ध्यान दीजिए और उसी तरह से अपने विज्ञापन को बनाने का प्रयास कीजिए। तो आए दिन हम जहां भी विज्ञापन आप देखते हैं उसे एक बार आप जरूर ध्यान से देखिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, विज्ञापन का उद्देश्य ही होता है जानकारी को लोगों तक पहुंचाना। जो भी उस प्रोडक्ट से संबंधित या उस वस्तु से संबंधित जानकारियां हैं वो सारी जानकारियां विज्ञापन के माध्यम से लोगों तक पहुंचे, ये विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य होता है। तो जब आप विज्ञापन लेखन करने बैठेंगे तो आपको भी यही चीज ध्यान में रखनी है कि मैं जो विज्ञापन बना रहा हूं या मैं जो विज्ञापन लेखन कर रहा हूं, जिस वस्तु से संबंधित कर रहा हूं, उस वस्तु के संबंध में छोटी से छोटी जानकारी ग्राहक तक पहुंचनी चाहिए, या जो एग्जामिनर है, जो पेपर आपका चेक करने वाला है, उस तक वो सारी जानकारी मैं दे सकूं कम से कम शब्दों में, ज्यादा ना लिखकर कम से कम शब्दों में किस तरह से मैं अपनी पूरी जानकारी लिख सकता हूँ, वो सबसे अच्छा विज्ञापन जो है वो माना जाता है। क्योंकि बड़ा बड़ा पैराग्राफ पढ़ने के लिए विज्ञापन में कोई नहीं बैठेगा। आप अगर न्यूज़पेपर में विज्ञापन आया है और उसमें सिर्फ बड़े बड़े पैराग्राफ लिखे गए हैं तो उस पैराग्राफ को कौन पढ़ेगा? न्यूज़पेपर का विज्ञापन जो होता है या मैगजीन का विज्ञापन जो होता है, या हो है छोटे छोटे लाइंस होती हैं, कुछ शब्द जो है वो बड़े अक्षरों में लिखे होते हैं, तो बड़े अक्षरों में जो शब्द लिखे होते हैं उन पर पहले हमारा ध्यान जाता है, जैसे 40% की छूट या स्टॉक लिमिट, इस स्टॉक सीमित, इस तरह से जो शब्द होते हैं बड़े अक्षरों में लिखे गए होते हैं उसकी तरफ हमारा ध्यान जो है वो पहले खींचता है। तो इस तरह से आपको अपना विज्ञापन भी आकर्षित बनाकर लिखना है और सारी जानकारियां जो है वो उसमें दे देनी है कम से कम शब्दों, ताकि आपके विज्ञापन की ओर ध्यान आकर्षित हो और जितनी जानकारियां आप दे सकते थे उसके माध्यम से आप अच्छे अंक जो है वो प्राप्त कर सके। अब ये विज्ञापन जो है वो बहुत प्रकार के होते हैं, केवल किसी सामान को बेचने के लिए ही विज्ञापन नहीं होता है। अब ये विज्ञापन घर भाड़े पर देना है या घर खरीदना है, इस तरह के भी हो सकते हैं, या कार के संबंधित विज्ञापन हो सकता है, स्कूटर से संबंधित हो सकता है, पंखे से संबंधित हो सकते हैं, कॉस्मेटिक से संबंधित हो सकते हैं, मोबाइल फोन से संबंधित हो सकते हैं। मोबाइल फोन से संबंधित विज्ञापन, कार से संबंधित विज्ञापन तो आप हर रोज न्यूज़पेपर में देखते हैं, तो इनसे संबंधित जो विज्ञापन है, इसी तरह के विज्ञापन, यानी ये क्या है, ये वस्तु संबंधित, स्थान संबंधित, स्थान यानी अभी ये जो घर है, यदि आपको घर से संबंधित कि हाँ आपको एक घर भाड़े पर देना है, आप एक विज्ञापन लेखन कीजिए घर भाड़े पर देने के लिए, किराएदार ढूंढने के लिए, तो इस तरह के विज्ञापन लेखन में आपको घर का स्थान पता सब वहां पर लिखना पड़ेगा। तो ये सारे जो विज्ञापन लेखन है, जो विषय आपको आते हैं विज्ञापन लेखन करने के लिए, वो सारे तरह के विज्ञापन हम अपने रोज के जीवन में देखते हैं, लेकिन सिर्फ उस पर ध्यान नहीं देते। तो अब आपको क्या करना है, आप जो भी विज्ञापन देखेंगे आपको एक बार जरूर उसे पढ़ना है, क्योंकि उसको पढ़कर आपको कुछ आइडियाज जरूर मिल जाएंगी अपने विज्ञापन लेखन करने के लिए। जब आप कृति पत्रिका में अपने विज्ञापन लेखन का प्रश्न हल करेंगे तो उन प्रश्नों को हल करने के लिए जरूर कोई ना कोई वाक्य, अच्छा वाक्य, या कोई ना कोई आइडिया किस तरह से आपको विज्ञापन लेखन करना है वो आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि जो भी विज्ञापन लेखन का प्रश्न होता है वो हमारे दैनिक जीवन से ही संबंधित होता है, केवल नाम बदल दिए जाते हैं। जो नाम के विज्ञापन हमने देखे हैं या पढ़े हैं केवल उस नाम से बदलकर दूसरे नाम से वो विज्ञापन हमने लेखन करने के लिए दिया जाता है। अब विज्ञापन की यदि हम
शब्द के हिसाब से बात करें, उसके अर्थ की बात करें या उसकी जानकारी, उसके कार्यों की बात करें, तो विज्ञापन जो है सबसे पहले ये शब्द ही, विज्ञापन शब्द ही वि धन ज्ञापन, यानी दो शब्दों से मिलकर ये शब्द बनता है। वि का अर्थ होता है विशेष यानी स्पेशल, और ज्ञापन का अर्थ होता है सार्वजनिक सूचना। सार्वजनिक सूचना यानी हर किसी को सार्वजनिक तौर पर दी जाने वाली सूचना, यानी वो ज्ञान जो है या ये वो सूचना जो है वो हर किसी तक पहुंचे, चाहे जो भी हो, छोटा व्यक्ति हो, बड़ा व्यक्ति हो, खरीद सके सामान ना खरीद सके, फिर भी सार्वजनिक तौर पर दी जाने वाली सूचना, विशेष सूचना। विज्ञापन एक माध्यम है ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करके वस्तु को बेचने का। यहाँ पर विज्ञापन जो कार्य करेगा वो क्या कार्य करता है, ग्राहकों का ध्यान अपनी ओर आसानी से खींच सके, इतना आकर्षित वो विज्ञापन होना चाहिए, क्योंकि यदि वो ग्राहकों का ध्यान अपनी ओर खींचेगा तो ही वो वस्तु जो है वो बिकेगी। सरल शब्दों में यदि हम इसे कहें तो खरीदने के लिए या अन्य जानकारी देने व लेने से लेकर अपने किसी अन्य विषय की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाने वाला जनसंचार विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट कहलाता है। वस्तु से संबंधित सारी जानकारी या तो हमें देना है या तो हमें लेना, तो उसके संबंध में बनाया जाने वाला जो ध्यान आकर्षित करने वाला जनसंचार है वही हमारा विज्ञापन है। तो यहाँ पर जो कंपनीज विज्ञापन बनाती है वो विज्ञापन बनाती है ताकि ग्राहकों का अपना ध्यान आकर्षित कर सके और ज्यादा से ज्यादा अपनी वस्तुओं को बेच सके। लेकिन अभी आपको विज्ञापन बनाते समय ये ध्यान रखना है कि आप अपना विज्ञापन उस तरह से बनाएं कि आपका ध्यान, आप एग्जामिनर का ध्यान अपनी तरफ, अपने विज्ञापन की तरफ आकर्षित कर सके और आप अच्छे से अच्छे नंबर ले सके। यहाँ से आप विज्ञापन अच्छी तरह से बनाना सीख जाएंगे तो हो सकता है फ्यूचर में जाकर भी आप विज्ञापन के क्षेत्र में कार्य कर पाए। तो आपको क्या है, विज्ञापन अभी फिलहाल हमें सीखना है अच्छे नंबर लेने के लिए, लेकिन इसकी आवश्यकता या इसका उपयोग आप आगे जाकर भी कर सकते हैं। विज्ञापन एक ऐसा माध्यम है जिसका उपयोग करके उत्पाद या फिर सेवाओं की गुणवत्ता के बारे में लोगों को जानकारी दी जाती है। जैसा कि मैंने पहले बताया, वस्तु से संबंधित छोटी छोटी जानकारी जो है वो विज्ञापन के माध्यम से ही ग्राहकों तक पहुंचाई जाती है, चाहे वो विज्ञापन न्यूज़पेपर में हो, मैगजीन में हो या फिर टीवी पर दिखाया जा रहा हो, उससे संबंधित हर छोटी मोटी जानकारी जो है वो ग्राहकों तक पहुंचाई जाती है इसी विज्ञापन या एडवर्टाइजिंग माध्यम से, जिससे उपभोक्ता प्रभावित हो सके और उस सेवा या उत्पाद को खरीदे। जैसा कि कई बार हमारे मन में भी आ जाता है कई विज्ञापनों को देखकर कि इसे एक बार तो जरूर ट्राई करना चाहिए। एक विज्ञापन को सूचना देने उसके बारे में पब्लिक को कुछ भी मालूम नहीं होता। आपने खुद देखा होगा आजकल आए दिन मार्केट में हर तरह के नए नए उत्पाद जो है वो आते रहते हैं, तो इन सब की जानकारियां हमें कैसे मिलेंगी, कैसे हम उसका उपयोग करने के लिए प्रेरित होंगे, तो उसका माध्यम क्या है, विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट। जब उन चीजों का आप प्रचार करना शुरू करेंगे, विज्ञापन करना शुरू करेंगे, तो वो लोगों तक पहुंचे और जब वो नया प्रोडक्ट, उसके बारे में जानकारी जब ये लोगों तक पहुंचेगी तो ही लोग उस सामान को खरीदने के लिए प्रेरित होंगे या उस उत्पाद को खरीदने के लिए प्रेरित होंगे। तो इसलिए विज्ञापन जो है ये यहाँ पर जरूरी हो जाता है। तो यहां तक हमने देखा कि विज्ञापन लेखन के लाभ क्या है, उसका उपयोग कैसे होता है। अब एक छात्र की दृष्टि से या एक विद्यार्थी की दृष्टि से विज्ञापन लेखन होना कैसा चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या नियम है विज्ञापन लेखन करने के, ये हम सीखेंगे। तो विज्ञापन लेखन कैसे करें, इसमें सबसे पहला नियम है
एक बॉक्स बनाकर ऊपर मध्य में विज्ञापित वस्तु का नाम मोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। विज्ञापित वस्तु अर्थात जिस वस्तु का हमें विज्ञापन करना है। यदि मुझे टूथपेस्ट का विज्ञापन करना है तो उस टूथपेस्ट का जो नाम आपकी कृति पत्रिका में दिया गया है उसी नाम को आपको मोटे अक्षरों में लिखना है। अब यहाँ प्रश्न भी आपको कृति पत्रिका में दो तरीके से दिए जाते हैं। एक प्रश्न जो केवल इतना ही लिखा गया होगा कि आपको एक टूथपेस्ट का विज्ञापन तैयार, टूथपेस्ट के लिए विज्ञापन लेखन कीजिए, बस। अब यहाँ पर सिर्फ ये कहा गया है कि टूथपेस्ट के लिए विज्ञापन लेखन कीजिए, टूथपेस्ट का नाम नहीं दिया गया। तो ऐसी स्थिति में आप कोई भी अपनी पसंद का नाम उस टूथपेस्ट को दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न होता है, आपको टूथपेस्ट का नाम दिया गया होता है, दंत कांति टूथपेस्ट के प्रचार के लिए आप एक विज्ञापन लेखन तैयार कीजिए। तो यदि वहां पर नाम, विज्ञापित वस्तु का नाम यदि दिया गया है आपकी कृति पत्रिका में, तो आपसे केवल उसी नाम का प्रयोग करना अपेक्षित है। ऐसी स्थिति में आप किसी भी अन्य नाम का प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये दो तरह के प्रश्न होते हैं। सबसे पहले आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न पढ़ने के बाद ये निश्चित कीजिए कि क्या वहां पर विज्ञापित वस्तु का नाम दिया गया है, क्या वहां कोई स्थान या पता दिया गया है। यदि दिया गया है तो आपको उसी नाम या स्थान और पते का प्रयोग करना है। और यदि नहीं दिया गया है तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी काल्पनिक विज्ञापित वस्तु या नाम पते का प्रयोग जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा नियम क्या है, विज्ञापन लेखन हमेशा एक बॉक्स में होना चाहिए। अब यहाँ आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप विज्ञापन बना लीजिए और उसके बाद अंत में उसे आप बॉक्स के अंदर डालिए। क्योंकि कई बार बच्चे बॉक्स बना लेते हैं और बॉक्स बनाने के बाद जब वो विज्ञापन लिखना शुरू करते हैं तो ऐसे स्थिति में फिर कई बार उनकी जो जरूरी चीजें हैं या उन्हें जितना लिखना है वो उस चौखट में या बॉक्स में नहीं समा पाता, तो वो छोटा बड़ा या एक दूसरे में चिपका हुआ इस तरह से वो लिख देते हैं, तो वो दिखने में भी आकर्षित नहीं दिखता। और विज्ञापन का तो विशेषता ही है कि वो दिखने में भी आकर्षित दिखना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, आपको जितना विज्ञापन में जो भी जानकारियां देनी है वो सारी जानकारियां आप लिख लीजिए और अंत में उसे बॉक्स या चौखट में बंद कर दीजिए। लेकिन ये बॉक्स या चौखट बनाना बेहद जरूरी है, तो उसका पहला ही नियम। तो आपको एक बॉक्स या चौखट बनाना है और विज्ञापित वस्तु, जिस वस्तु का मुझे विज्ञापन करना है उसका नाम मोटे अक्षरों में वहां पर लिखा जाना चाहिए। दूसरा नियम, दाएं एवं बाएं किनारों पर, यानी विज्ञापन विज्ञापित वस्तु का जो नाम है वो हमने बीचों बीच लिख दिया, अब उसके दाएं बाएं साइड यानी राइट और लेफ्ट साइड के किनारों पर आप सेल, धमाका, खुशखबरी, खुल गया जैसे लुभावने शब्दों को भी लिख सकते हैं। तो यानी इन शब्दों का प्रयोग करके आप ग्राहकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। सेल सेल पढ़ते ही लोग, अब सेल जैसे ही लोगों को दिखाई देता है लोग क्या करते हैं, उस विज्ञापन को पढ़ना शुरू करते हैं, उनकी तरफ ध्यान जाता है कि अरे किस चीज की सेल है और कितने परसेंट की छूट है। तो ये जो सारी चीजें हैं, सेल, धमाका, खुशखबरी, खुल गया, इस तरह के जो आकर्षक शब्द हैं, लुभावने शब्द हैं, इनका प्रयोग भी आपको अपने विज्ञापन लेखन में करना चाहिए। तीसरा नियम, बाई ओर मध्य में विज्ञापित वस्तु के गुणों का उल्लेख करना चाहिए। जिस वस्तु का भी आप विज्ञापन कर रहे हैं वो कब बिकेगी, वो तभी बिकेगी जब आप उसके अच्छी खासियत या उसके गुण बताएंगे। यदि आपने उसके गुण बताए ही नहीं तो फिर आपका जो सामान है या जो वस्तु है वो कैसे बिकेगी। तो जिस भी वस्तु का आपको विज्ञापन बनाने के लिए कहा गया है, बाईं तरफ मध्य में उसके गुणों को दर्शाना बेहद जरूरी है, बहुत आवश्यक है कि आप उसके गुण या उसकी विशेषताएं अच्छी तरह से लिखें। लेकिन पूरा पूरा वाक्य नहीं, विशेषण के शब्दों का प्रयोग करके आप उन गुणों को लिखें। अब वो विशेषण के शब्द कैसे हो सकते हैं वो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे, लेकिन वहां पर आपको पूरा पूरा वाक्य नहीं लिखना कि ये ऐसा करेगा वैसा करेगा, इस तरह से नहीं।
आपको कुछ गिने चुने शब्दों का प्रयोग करके, खासकर विशेषण का प्रयोग करके, आपको वहां पर उस वस्तु के गुण बताने। उसके बाद दाहिनी ओर या मध्य में वस्तु का बड़ा सा चित्र देना चाहिए। अब यहाँ पर ये ऑप्शनल है, यदि आप चित्र बना सकते हैं तो आप चित्र बनाइए, लेकिन वो चित्र भी आपको पेन से ही बनाना है, पेंसिल से बिल्कुल भी नहीं बनाना है। जैसा कि हिंदी की कृति पत्रिका में सूचना में लिखा ही होता है कि आपको पेंसिल का प्रयोग कहीं भी नहीं करना है, केवल कलम का प्रयोग करना है। उपयोजित लेखन के विभाग में यदि आपको चित्र बनाने की आवश्यकता हो तो आप चित्र बना सकते हैं, लेकिन उसे भी कलम की सहायता से ही बनाना है। इस तरह की सूचना आपको लिखी होती है कृति पत्रिका में। तो विज्ञापन लेखन में यदि मुझे चित्र बनाने की आवश्यकता है, यदि मैं चित्र बना सकती हूँ, तो वो चित्र भी मैं पेन से ही बनाऊंगी, पेंसिल का प्रयोग वहां पर बिल्कुल भी नहीं करना। तो यदि आपको चित्र बनाने आ रहा है, यदि उस वस्तु से, जो विज्ञापित वस्तु है उससे संबंधित चित्र यदि आपको बनाने आता है, तो दाई तरफ मध्य भाग में आप एक छोटा सा विज्ञापित वस्तु का चित्र भी बना सकते हैं। स्टॉक सीमित या जल्दी करें जैसे प्रेरक शब्दों का प्रयोग किसी डिजाइन में होना चाहिए। किसी डिजाइन में मतलब क्लाउड शेप बनाकर या स्टार शेप बनाकर आप जो है वो ये स्टॉक सीमित या जल्दी करें, इन प्रभावी शब्दों का प्रयोग भी जो है वो कर सकते हैं। मुफ्त मिलने वाले सामानों या छूट का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। विज्ञापन कब इफेक्टिव होता है, कब आकर्षक होता है, जब उसमें हम मुफ्त क्या मिल रहा है, मुफ्त मिलने वाले सामान और छूट, या तो मुफ्त मिल रहा हो सामान या तो छूट मिल रही हो, इसे हमें दिखाना जरूरी होता है विज्ञापन को और अधिक आकर्षक बनाने के। अब मुफ्त मिलने वाले सामान को आपको ध्यान में रखना है कि आप जो भी चीज मुफ्त दे रहे हैं वो आपकी वस्तु से संबंधित होनी चाहिए और वस्तु से बड़ी नहीं होनी चाहिए। जैसे कई बार बच्चों को जब छाते का विज्ञापन करने के लिए कहा जाता है, तो मैंने देखा है कि बच्चे छाते का विज्ञापन लिखते समय लिखते हैं एक छाते के साथ एक रनकोट मोर, तो मतलब ये तो आपका विज्ञापन जो है ये क्या हो गया, ये गलत हो गया या दूसरी दिशा में चला गया। आपको छाते के साथ, छाते की जो कीमत है, रेनकोट की जो कीमत है, आप छाते के साथ रेनकोट कैसे मुफ्त दे सकते हैं, मतलब थोड़ा सा ध्यान में रखकर आप विज्ञापन लेखन कीजिए। छाते के साथ आप क्या मुफ्त दे सकते हैं, छाते का कवर मुफ्त दे सकते हैं या दो छाते के साथ एक छाता मुफ्त दे सकते हैं। तो इस तरह के मुफ्त जो भी आप चीजें लिख रहे हैं उसे थोड़ा सा ध्यान में रखकर लिखिए, या फिर छूट दिखाइए, 40% की छूट, 30% की छूट, ठीक है। उसके बाद ऊपर की जगह देखकर कोई छोटी सी तुकबंदी लिखना चाहिए जिससे पढ़ने वाला आकर्षित हो। तुकबंदी यानी दो लाइंस जो राइमिंग लाइंस होती है, जिसे हम कहते हैं छोटा सा शायरी टाइप जो होता है, तो ऐसे तुकबंदी वाक्य जो है वो वहां पर आपको लिखने चाहिए जो विज्ञापन की तरफ ध्यान आकर्षित करे। और अंत में संपर्क करें या फोन नंबर का उल्लेख करें। अब वहां पर आप कोई भी फोन नंबर लिख सकते हैं, जैसे 02223456789, ये नंबर आपको हिंदी में लिखना अपेक्षित है, देवनागरी लिपि में। परीक्षा में अपना या किसी अन्य का नंबर नहीं देना चाहिए। यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि वहां पर नंबर का लेखन करते समय आपको अपना नंबर बिल्कुल भी नहीं लिखना है, या किसी और का भी वैलिड मोबाइल नंबर नहीं लिखना है। आप वहां पर कोई भी काल्पनिक नंबर ही लिखें और संपर्क करें या फोन नंबर, इस तरह का उल्लेख करना विज्ञापन लेखन में अपेक्षित है, क्योंकि आप जिस चीज का विज्ञापन कर रहे हैं, यदि सच में वो चीज किसी को लेनी है तो वो कैसे संपर्क करेगा, कहाँ संपर्क करेगा, तो इसलिए आपको वहां पर ये मोबाइल नंबर या संपर्क लिखना बेहद जरूरी। तो ये कुछ बातें हैं जिनका ध्यान यदि आप रखते हैं और इस तरह से अपना विज्ञापन बनाते हैं तो आपका विज्ञापन जरूर ही आकर्षक और अच्छा बनता है। जैसा कि मैंने बताया, हम
विज्ञापन लेखन में कुछ विशेषणों का प्रयोग करके अपने विज्ञापन को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। विज्ञापन की भाषा में जहां शब्दों को सजाकर भाषा में पेश किया जाता है, वही विशेषणों का भी काफी प्रयोग किया जाता है। वस्तु की विशेषता को एक अथवा अधिक विशेषणों के द्वारा वर्णित किया जा सकता है, यानी बताया जा सकता है। जब हम विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हैं तो किसी भी चीज का विज्ञापन जो है वो और अधिक आकर्षक हो जाता है। तो यहाँ पर विशेषणों का प्रयोग भी कई प्रकार से होता है, यानी कुछ विज्ञापन ऐसे होते हैं जहां पर हम एक विशेषण का प्रयोग कर सकते हैं। आप एक विशेषण का प्रयोग करके भी अपने विज्ञापन को आकर्षित बना सकते हैं, या दो विशेषणों का प्रयोग करके उसे और अधिक आकर्षित बना सकते हैं, या फिर तीन विशेषणों का प्रयोग करके आप उसे आकर्षित बना सकते हैं। तो जितने विशेषण उस वस्तु से संबंधित आपको ध्यान में आ रहे हैं, उन विशेषणों का प्रयोग आप वहां कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, यदि मुझे एक विशेषण का प्रयोग करना है तो एक उदाहरण क्या है, त्वचा में ज्योति जगाए कौन, रेक्सोना। यानी ये रेक्सोना साबुन के लिए एक विशेषण में उसका गुण बताया गया है, विशेषण का प्रयोग करके एक वाक्य में उसका गुण बताया गया है, त्वचा में ज्योति जगाए। दूसरा उदाहरण है गोरेपन की क्रीम, गोरापन क्या है, ये विशेषण, एक विशेषण शब्द का यहाँ हमने प्रयोग किया है, गोरेपन की क्रीम, फेयर एंड लवली। ये फेयर एंड लवली के विशेष गुण बताने के लिए इस विशेषण का प्रयोग किया गया है। एक टूथपेस्ट मसूड़ों के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर भी इस तरह से यहाँ पर विशेषण का प्रयोग करके टूथपेस्ट का एड जो है वो किया गया, यानी उसका गुण बताया गया। मजेदार भोजन का राज, मजेदार ये क्या हो गया, विशेषण, भोजन का राज। ताजगी का साबुन, यहाँ भी क्या है, साबुन का विज्ञापन है, लेकिन इसका गुण बताने के लिए कौन से विशेषण का प्रयोग किया गया है, ताजगी। सुपर रिंग की चमकदार ज्यादा सफेद, ठीक है, यहाँ पे क्या है, चमकार, ये विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया। तो इस तरह से विशेषण शब्दों का प्रयोग करके एक लाइन में भी या एक वाक्य में भी हम उस वस्तु की विशेषता को अच्छी तरह से बता सकते हैं। अब कई बार दो विशेषणों का प्रयोग भी हम कर सकते हैं, खून को साफ करके त्वचा को निखारे। अब यहाँ दो विशेषण कौन कौन से आए हैं, तो एक साफ और दूसरा निखारे, ये दो यहाँ पर विशेषण शब्द है, खून को साफ करे, त्वचा को निखारे, हमदर्द की साफी, ठीक है। यहाँ पर प्रचार किसका हो रहा है या विज्ञापन किसका हो रहा है, साफी का, उसके लिए दो विशेषणों का प्रयोग किया गया है उसके गुण बताने के लिए। खून को साफ करना ये उसका एक गुण हो गया, त्वचा को निखारना ये उसका दूसरा गुण हो गया। तो इन दोनों विशेषणों के माध्यम से साफी का जो है वो गुण यहाँ पर बता दिया गया। उसी तरह से पांच औषधियों वाला पाचन टॉनिक, झंडू पंचायत, इस तरह से लिखा गया है, पांच औषधियों वाले, यानी कितनी औषधियों से बना है, ये पांच औषधियों से, ये किसका विशेषण हो गया। दूसरा पाचन टॉनिक, भोजन को पचाने वाला टॉनिक, ये उसका दूसरा गुण हो गया। तो ये क्या है, दो विशेषणों के माध्यम से इसके गुण जो है वो आपको बताए जा रहे हैं। इसी तरह से और उदाहरण हम देखें तो बेजोड़ चाय, किफायती दाम, यहाँ पर भी दो विशेषण है और दोनों ही इसके गुण के रूप में प्रयोग किए गए हैं, बेजोड़ और किफायती दाम, रेड लेबल चाय, चाय का नाम क्या है यहाँ पर, रेड लेबल चाय। ताजगी व फुर्ती के लिए हॉर्लिक्स, ताजगी फुर्ती, यहाँ पर भी दो विशेषण का प्रयोग किया गया है। आप अपना वक्त और ईंधन बचाइए, यूनाइटेड प्रेशर कुकर लाइए, अपना वक्त और ईंधन बचाइए, दूध की सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिलखिल जाए, ठीक है। इस तरह की जो लाइंस है या तुकबंदी है, इसके माध्यम से भी हम गुणों को बता सकते हैं। यहाँ पर भी दो विशेषण, यानी सफेदी और रंगीन, ये क्या है, दो विशेषणों का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो इस तरह से कई बार हम दो विशेषणों का प्रयोग करके वस्तु के या उत्पादित वस्तु या विज्ञापित वस्तु जो आपकी है उसके गुणों को आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अब
तीन विशेषणों का प्रयोग आप किस तरह से कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है, जब मैं तीन विशेषणों का प्रयोग करूंगी, यानी मैंने उसके तीन तरह के गुण बता दिए, तो यहाँ मुझे चाहिए एक साफ स्वच्छ स्नान 100% संपूर्ण नया डेटॉल सोप। ठीक है, साफ स्वच्छ और नया, यहाँ पर इसके तीन विशेषण हो गए, यानी तीन गुण हो गए। अलबेली और निराली, ज्यादा गारंटी वाला टाइम स्टार गरु, यानी अलबेली निराली और ज्यादा गारंटी वाली, ये तीन उसके विशेषण हो गए। यानी तीन विशेषण जो है ये इसके तीन गुणों का काम कर रहे हैं, अलबेली निराली यानी सबसे अलग और ज्यादा गारंटी वाली, ये तीन विशेषण जो है जो हमने उसके लिए प्रयोग किया, ये उसके लिए तीन गुणों का काम कर रहे हैं उस विज्ञापित वस्तु के लिए। डबल डायमंड चाय, स्वाद में तेजी में आपके ख्यालों सी ताजगी, यानी स्वाद भी तेजी भी और ख्यालों की ताजगी भी, यहाँ भी इसके तीन विशेषण जो है इसके लिए तीन गुणों का काम कर रहे हैं। भीनी भीनी सुगंध युक्त चिपचिपाहट रहित केश तेल, स्वस्थ केश सुंदर केश क्रियोकार्पिन केश। तो यहाँ आपने सारे जितने भी विशेषण के मैंने प्रयोग आपको बताए, वो सारे विशेषण क्या कर रहे हैं, जो भी विज्ञापित वस्तु है उस विज्ञापित वस्तु के गुणों को बता रहे हैं, उसके गुणों की तरफ आकर्षित कर रहे हैं। यानी जब भी आप विशेषण शब्द का प्रयोग करेंगे, आपको ये ध्यान में रखना है कि जिस भी विशेषण शब्द का आप प्रयोग कर रहे हैं, वो विशेषण शब्द उस विज्ञापित वस्तु से मिलना जुलना चाहिए। यानी मैं विशेषण किसी और ही शब्द का प्रयोग कर रही हूँ और मेरा वस्तु जो है वो कोई और ही है और दोनों में कोई मैच ही नहीं है, तो इस तरह से विशेषण शब्दों का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, उसे वर्जित करना है या उसे दूर रहना है, क्योंकि आपके विज्ञापित वस्तु और विशेषण शब्दों के बीच में तालमेल होना बेहद जरूरी है। वो जब एक दूसरे से मैच खाएंगे या तालमेल उनका बैठेगा तो ही वो इफेक्टिव लगेंगे, आकर्षक लगेंगे। यदि वो एक दूसरे से विरोधी होंगे तो आपको यहाँ पर फायदे की जगह क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो विशेषणों का प्रयोग करके आप अपने विज्ञापन को बहुत ही आकर्षक बना सकते हैं। यदि आपको विशेषण समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप सीधे सरल शब्दों में भी अपनी वस्तु, विज्ञापित वस्तु, जिस वस्तु का आपको विज्ञापन बनाना है, उस विज्ञापित वस्तु का गुण आप सीधे सरल शब्दों में भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी वस्तु के गुणों को बताने के लिए विज्ञापन का प्रयोग करें, विज्ञापन में विशेषणों का प्रयोग करें उसको गुणों को बताने के लिए। यदि आप विशेषणों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो सीधे सरल शब्दों में भी आप उसके गुणों को बता सकते हैं। अब ये विशेषण शब्द प्रयोग करते समय आपने देख लिया, आप एक विशेषण का प्रयोग करके भी गुण बता सकते हैं, दो विशेषण शब्दों का प्रयोग करके भी गुण बता सकते हैं, या तीन विशेषण शब्दों का प्रयोग करके भी आप उस वस्तु के गुणों को लोगों को बता सकते हैं। अब आगे हम कुछ उदाहरण देखते हैं किस तरह से हमें प्रश्नों को हल करना होता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न है, अपने विद्यालय की संस्था पहरेदार, यहाँ पर नाम दिया हुआ है पहले से, अपने विद्यालय की संस्था पहरेदार की ओर से जल का दुरुपयोग रोकने का आग्रह करते हुए लगभग 30 शब्दों में एक विज्ञापन का आलेख तैयार कीजिए। अब संस्था कौन सी है? पहरेदार। और इसे क्या करना है? जल का दुरुपयोग रोकने के लिए आग्रह करना, यानी जल का जो वेस्टेज, पानी का जो हम वेस्टेज करते हैं, उसे रोकने के लिए लोगों से आग्रह करना। तो इसे आप कैसे बना सकते हैं? यहाँ पर सबसे पहले तुकबंदी वाली लाइन दी है, जल है तो कल है। अब क्योंकि ये किसी, जैसा कि पहले हमने पढ़ा कि हमको एक बॉक्स बनाना है, तो आप ये विज्ञापन देख सकते हैं, ये विज्ञापन जो है ये एक बॉक्स के अंदर या चौखट के अंदर ही बंद है। फिर लिखा था कि बीच में विज्ञापित वस्तु का नाम मोटे अक्षरों में लिखे, लेकिन यहाँ पर ये जो विज्ञापन हमें बनाने के लिए कहा गया, ये किसी वस्तु से संबंधित नहीं है, ये जल का दुरुपयोग रोकने के लिए। तो इसलिए कोई एक वस्तु तो है नहीं कि हम बीच में इसका मोटे अक्षरों में नाम लिखेंगे। तो यहाँ हमने क्या किया है, शुरुआत किसे की है? तुकबंदी वाली लाइन से, जो हमने मोटे अक्षरों में, बड़े अक्षरों में लिखी है, जल है तो कल।
दाई तरफ एक चित्र बनाया गया है, उसके नीचे पृथ्वी की सतह पर 2/3 जल है परंतु पीने योग्य जल केवल 0.002 ही है। ठीक है, ये क्या हो गया उसकी गुण या विशेषताएं जो भी आपके या समस्या। हम सबने यह ठाना है पानी को बचाना है, यहाँ पर फिर से हमने क्या किया एक तुकबंदी वाली लाइन का प्रयोग किया। सौजन्य से यानी कहाँ से, DAV स्कूल चंडीगढ़ पहरेदार संस्था, ये यहाँ पर लिखना बेहद जरूरी है क्योंकि आपके प्रश्न में ही दे दिया गया है कि पहरेदार संस्था जो है इसने ये विज्ञापन बनाना, तो पहरेदार संस्था ब्रैकेट में लिखना यहाँ पर जरूरी। तो ये एक सादा सरल विज्ञापन है, इसमें आप छूट या स्टॉक सीमित या सेल धमाका इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। तो आपको पहले प्रश्न पढ़ना है, प्रश्न पढ़कर तय करना है वो विज्ञापन किस चीज से संबंधित है। ये विज्ञापन केवल हमें लोगों को अवगत कराना था कि जल को बचाइए, इसलिए यहाँ पर हम सेल धमाका या छूट इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, वरना आप ऐसे विज्ञापन में भी ये शब्द डालेंगे और कहेंगे कि हमें टीचर ने तो ऐसे ही कहा। तो पहले आपको प्रश्न को पढ़ना है, प्रश्न पढ़कर समझना है कि केवल हमें लोगों को जानकारी देनी है, ज्ञान देना है, या हमें वो सामान बेचने के लिए विज्ञापन बनाना है। जब आपको किसी सामान को बेचने के लिए विज्ञापन बनाना है तो ऐसी स्थिति में आप सेल छूट धमाका स्टॉक लिमिट इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब आपको केवल जानकारी देनी है तो आपको इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना। तो ये एक तरह का विज्ञापन हो गया। दूसरा विज्ञापन यदि हम देखें तो ऊर्जा संरक्षण के लिए विज्ञापन बनाइए, यानी ऊर्जा को बचाने के लिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ऊर्जा को बचाने के लिए विज्ञापन है, इसलिए हमने बीच में मोटे अक्षरों में क्या लिख दिया, ईंधन की बचत। दोनों तरफ बाई और दाई तरफ क्या लिखा है, ईंधन बचाइए, ईंधन बचाइए, यानी पैसों की बचत और पर्यावरण संरक्षण। जब आप ईंधन बचाएंगे तो क्या होगा, पैसों की भी बचत होगी, यानी इसकी विशेषता है, विशेषण आ गया यहाँ पर, बचत यानी विशेषण, पैसों की भी बचत होगी, पर्यावरण का भी संरक्षण है। ईंधन बचाए जिम्मेदारी निभाए, ये हो गया तुकबंदी, ये लाइन जो है वो तुकबंदी वाली लाइन होगी। तो इस तरह से छोटा सा साधारण सा और अच्छा सा आकर्षक विज्ञापन ये बनकर जो है वो तैयार हो गए ऊर्जा संरक्षण से संबंधित। उसी तरह से विद्यालय की कलावधि में कुछ चित्र यानी पेंटिंग्स बिक्री के लिए उपलब्ध है, इसके लिए एक विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में लिखिए, यानी आपको पेंटिंग्स की बिक्री के लिए विज्ञापन यहाँ बनाना है लगभग 50 शब्दों में। तो यहाँ पर क्या है, पेंटिंग की बिक्री हमें दिखानी है, क्या कहा था, विद्यालय में, विद्यालय विद्यालय की कलावधि में, यानी विद्यालय का जो टाइमिंग है, स्कूल का जो समय है, उसी समय में आपको पेंटिंग की बिक्री के लिए एक विज्ञापन बनाना है। तो मॉडर्न स्कूल की रंग रचना सभा द्वारा बनाए गए चित्रों एवं कलाकृतियों की बिक्री, ये बड़ी लाइंस में लिखा गया है, आप यहाँ पर एक कोई छोटा नाम भी दे सकते हैं। आकर्षक एवं स्वनिर्मित चित्र, ये हो गए उसके विशेषण युक्त गुण, आकर्षक स्वनिर्मित चित्र, ये विशेषण भी हो गए और उसके गुण भी हो गए, ये विशेषण उसके गुण बता रहे हैं। उसके बगल में हमने चित्र बना दिया। मूल्य को देखिए, एक डिजाइन बनाकर उसके अंदर उसके मूल्य को लिखा है ताकि वो ज्यादा अपनी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। मूल्य केवल 50 से 150 रुपए, इसे एक डिजाइन के अंदर बंद किया है और गाढ़े अक्षरों में लिखा। स्थान, अब यहाँ पर क्योंकि आपको एक पेंटिंग की बिक्री करनी है तो यहाँ पर आपको स्थान बताना होगा, क्योंकि पेंटिंग देखने के लिए लोगों को आना पड़ेगा, वो आएंगे देखेंगे, पेंटिंग पसंद आएगी तो खरीदेंगे। तो स्थान, समय, स्थान कौन सा है, कितने बजे तक वो आ सकते हैं, कहाँ आएंगे, ये सारी चीजें आपको बताना जरूरी। तो स्थान विद्यालय सभागार, समय प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक। सौजन्य से रचना रंग सभा मॉडर्न स्कूल चंडीगढ़। दूरभाष यानी आपका ध्वनि दूरध्वनि क्रमांक या मोबाइल नंबर।
वहां पर आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये विज्ञापन भी वहां पर तैयार हो गया। अंत में एक विज्ञापन और हम देखें तो हिंदी की पुस्तकों की प्रदर्शनी में आधे मूल्य पर बिक रही महत्वपूर्ण पुस्तकों को खरीदकर लाभ उठाने के लिए लगभग 25 से 30 शब्दों में एक विज्ञापन लिखिए, यानी हिंदी की पुस्तकों की प्रदर्शनी। तो आपको ये प्रदर्शनी से संबंधित एक विज्ञापन बनाना है। अब यहाँ पर देखिए कुछ कुछ आकृतियां बनाई गई और उन आकारों के अंदर बड़े बड़े गहरे शब्दों में विज्ञापन को जो आकर्षित करने वाले शब्द हैं उनका प्रयोग किया, सुनहरा मौका या अवसर। दाएं बाएं सेल सेल, यहाँ पर आप सेल लिख सकते हैं क्योंकि हमें किसी चीज को बेचना है, यानी उसको बेचना है, पुस्तकों को बेचना है, तो सेल सेल। हिंदी से जुड़े और साहित्य के शौकीन पाठकों के लिए जल्द ही मिल रहा है सुनहरा मौका। आप ही के शहर नई दिल्ली में हिंदी पुस्तकों की प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है जिसमें हिंदी की महत्वपूर्ण पुस्तकें आधे मूल्य पर उपलब्ध होंगी। अब यहाँ पर ये रूप में दिया, आप इस पैराग्राफ को ना लिखकर छोटे छोटे लाइंस में भी इसे लिख सकते हैं, हिंदी से जुड़े साहित्य और शौकीन पाठकों के लिए, इतना लिख दिया। दूसरी तरफ लिख दीजिए आप ही के शहर में, ठीक है। इस तरह से पूरा वाक्य यदि आप नहीं कंप्लीट करेंगे, छोटे वाक्यों का प्रयोग करके, कम शब्दों का प्रयोग करके भी आप विज्ञापन को इफेक्टिव बना सकते हैं। नीचे एक आकार में जल्दी कीजिए, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा, इसे मोटे और गाढ़े में लिखा गया। नीचे पेंसिल और बुक की एक चित्र बनाई गई है और स्थान दिया गया है प्रगति मैदान नई दिल्ली, क्योंकि हमें विज्ञापन के प्रश्न में कोई भी स्थान या जगह नहीं दिया गया था तो यहाँ एक काल्पनिक स्थान और जगह का नाम। तो इस तरह से हम अपने विज्ञापनों को बना सकते हैं, उसे आकर्षक बना सकते हैं। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है आपको पेन का कलर चेंज नहीं करना है, आकृति बनाते समय पेंसिल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सारी आकृतियां या सारे आकार, जो भी आकार आपको बनाने हैं, जो भी लेखन आपको करना है, आपको उसी रंग की पेन से करना है जिस पेन से आपने बाकी का पूरा पेपर लिखा है। यदि आप नीले पेन से लिख रहे हैं पेपर तो आपको पूरा पूरा का पूरा विज्ञापन नीले रंग से ही बनाना है। आप स्केच पेन का प्रयोग नहीं कर सकते, ना ही आप पेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं, और आप नीले रंग से और काले रंग का इस तरह के पेन को मिलाकर भी प्रयोग नहीं कर सकते करना है। जैसे यहाँ पर सुनहरा मौका या अवसर मोटे अक्षरों में लिखा है तो उसी नीले रंग की पेन से आप इन शब्दों को बड़े आकार में लिखिए और उसी को गाढ़ा कर दीजिए, मोटा कर दीजिए उसी पेन से, तो वो बाकी शब्द दिखाई देगा, अपने आप दिखाई देगा। चौखट बनाते समय भी आपको चौखट उसी पेन से बनाना है, लेकिन चौखट बनाते समय आप स्केल का प्रयोग कीजिए, क्योंकि हाथ से जब आप मेड़ी होती है वो इफेक्टिव नहीं दिखती, आकर्षक नहीं दिखती, तो आप वहां पर स्केल का प्रयोग करेंगे तो स्केल से लाइन सीधी सीधी बनेंगी और अच्छी भी दिखेंगी, वो चौखट अच्छा दिखेगा। और हमेशा विज्ञापन को चौखट में यानी बॉक्स में बंद करना ना भूलिए, वो बेहद जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ नियमों को याद करके, इन नियमों का पालन करके आप विज्ञापन लेखन अच्छी तरह से कर सकते हैं और अच्छे नंबर यहाँ पर ले सकते हैं। विशेषण को उसके गुणों के तौर पर प्रयोग कीजिए, बड़े बड़े वाक्यों की जगह छोटे छोटे वाक्य लिखिए और तुकबंदी वाले वाक्य, एक दो तुकबंदी वाले वाक्य वहां पर जरूर लिखिए। उस विज्ञापित वस्तु से संबंधित यदि आपको देखे हुए किसी विज्ञापन की लाइन कोई याद आती है तो वो लाइन भी आप वहां ऐड कर सकते हैं, जैसा मैंने शुरुआत में ही बताया। सिर्फ विज्ञापित वस्तु का नाम आप वही लिखिए जो आपको प्रश्न पत्रिका में दिया गया, नाम मत बदलिए, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये घटक जो है वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा, कौन सी गलतियों को आपको टालना है, कौन सी नियमों का आपको पालन करना है, किस तरह से आपको अच्छे नंबर लेने हैं इस विज्ञापन लेखन में, या अच्छी तरह से समझ में आया होगा ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। और ये भी आशा करती हूँ कि आपको 5 में से 4.5 नंबर तो जरूर विज्ञापन लेखन में मिले।
तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करते जाइए, आपके टेक्स्ट बुक में या आपके डाइजेस्ट में जितने भी प्रश्न विज्ञापन लेखन से संबंधित हैं उसे आप हल करने का प्रयास कीजिए। रोज कम से कम एक विज्ञापन का प्रश्न जरूर हल कीजिए। जब तक आप लिखित रूप में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक केवल समझ कर आप इसे नहीं सीख सकते। तो आपकी लिखित प्रैक्टिस, लिखित सराव जो है, ये आपके विज्ञापन लेखन को अच्छा बनाने के लिए बेहद जरूरी है। तो लिखित सराव पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान आप दीजिए। तो आज की क्लास यहीं पर मैं खत्म करती हूँ, और थैंक यू सो मच मेरे बातों को इतने ध्यान से सुनने के लिए, समझने के लिए, और उम्मीद करती हूँ आप इन नियमों का पालन करके विज्ञापन लेखन की प्रैक्टिस जरूर करें। थैंक यू विनीता मैम। थैंक यू।